दोस्तों जय हिंद। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन वर्ल्ड भारत पर। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि हम लोग हर दिन आपके लिए न्यू वीडियोस लेकर आ रहे हैं, उसी तरह दोस्तों आज हम लोग एक बार फिर से उपस्थित हैं आपके साथ एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों आज हमारा टॉपिक जो है बेटनोवेट क्रीम के ऊपर है। सबसे पहले दोस्तों आप इसे सामने से देख सकते हैं दोस्तों बेटनोवेट क्रीम को, और दोस्तों इसके ट्यूब के बारे में भी आप देख सकते हैं, ट्यूब भी देख सकते हैं सामने से, ये ट्यूब है दोस्तों। दोस्तों चलिए, आज तक मैंने आपको किसी भी मेडिसिन के कॉम्पोजिशन के बारे में नहीं बताया है, लेकिन आज ये कॉम्पोजिशन जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि बेटनोवेट क्रीम में ऐसा क्या होता है कंपोजिशन में। चलिए बताता हूँ दोस्तों आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटामेथासोन और वालफेरेट एंड नियोसिन स्कीम, ये जो कॉम्पोजिशन यूज होता है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेटनोवेट क्रीम जो है एक ट्रॉपिकल एस्ट्रॉयड है। मीन्स आपको ट्रॉपिकल एस्ट्रॉयड का मतलब होता है, इसे हम लोग इस स्किन पर बहुत सारी डिशेस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर यूज़ करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन मीन्स एलगी प्रॉब्लम होगा या इचिंग प्रॉब्लम होगा, रेडिनेस या इन्फ्लेमेशन स्किन डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है। मीन्स बेस खुजली होना, पीछे अंगुली लाल हो जाना, और उसको स्किन में बहुत सारी जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन होती है उस समय हम इसका उपयोग करते हैं। अरे दोस्तों इस साथ ही साथ इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। इसके साइड इफेक्ट जो है इरिटेशन, इरिटेशन होना, बर्निंग सेंसेशन होना, मीन्स आपकी त्वचा में खुजली होना, त्वचा जलना, और साथ ही साथ और भी इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट देखे गए हैं। दोस्तों अगर डोसेज की बात करें तो एज पर आपको डॉक्टर इंस्ट्रक्शन देना है। और इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसकी प्राइस जो है बहुत ही कम है, 33 रुपीज़, जो कि आपको हर एक मेडिसिन शॉप पर अवेलेबल होगी। और दोस्तों इसकी वार्निंग की बात करें तो आपको वार्निंग यही है, यू शुड बी यूज इट आफ्टर एडवाइस योर एंड अवॉइड द कॉन्टेक्ट विथ आइस एंड नोज एंड माउथ। अगर आपको ये क्रीम लेना है तो अपने डॉक्टर से एडवाइस कर कर लें, और साथ ही साथ आप अपने नोज और माउथ और आइस से इसे बचा कर रखें। चलिए दोस्तों अब मैं यहाँ पर एक मेन पॉइंट पर आता हूँ। दोस्तों अगर आप भी इसे गोरा होने के लिए यूज़ करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बेटनोवेट एन क्रीम को गोरा होने के लिए यूज़ किया जाता है, तो दोस्तों ये आप बहुत ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ट्रॉपिकल एस्ट्रॉयड है। और दोस्तों इसमें बेटामेथासोन जो कि 0.1% होता है, साथ ही साथ इसमें नियोसाइन सल्फेट जो 3% होता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग इसे स्किन गोरा करने के लिए यूज़ करते हैं वो ऐसा ना करें, क्योंकि दोस्तों इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो आपके स्किन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए होता है। और इसको दूर करने से दोस्तों वहाँ पर जो आपकी त्वचा होती है वो त्वचा को ये क्लियर करके थोड़ा सा आप क्लियर हो जाता है, उसी लिए ये त्वचा आपकी साफ दिखने लगती है, और इसे लोग गोरा होने के लिए करते हैं। दोस्तों अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि ये एक एस्ट्रॉयड है, और ये आपके यूज़ अगर इसे ज़्यादा करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। आपका फेस ख़राब हो सकता है, आपके फेस में रेड कलर की रेडनेस आ सकती है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, स्किन डिसेस हो सकती है। इसलिए बेटनोवेट क्रीम का उपयोग आप गोरा होने के लिए ना करें। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इस क्रीम को आपको यूज़ तभी करना है जब आपको कोई डॉक्टर ये क्रीम प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर के सजेशन से ही ये क्रीम लेना है दोस्तों, क्योंकि ये क्रीम आप बिना डॉक्टर के नहीं यूज़ करना चाहिए, या किसी के बोलने पर भी आपको नहीं यूज़ करना। डॉक्टर का आपको परमिशन लेना ही पड़ेगा इस क्रीम को यूज़ करने के लिए। चलिए दोस्तों आई होप आप सबको हमारी वीडियो समझ आई होगी। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इसलिए आज का वीडियो उन लोगों के लिए था जो कि ऐसा कर रहे हैं इस क्रीम का उपयोग गोरा होने के लिए। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो या आप किसी और भी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और साथ ही साथ दोस्तों हमारे बेल आइकॉन को दबाएं। थैंक यू।